आदरणीय श्री कैलाश मिश्रा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदरणीय श्री दीपक मिश्रा जी, श्री सुरेश शास्त्री जी, जयपुर से हमारे बड़े भाई राजकुमार जी, मित्रों, सर मैं महामहिम साहब को दो शब्दों में बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए ये बताना चाहता हूँ कि अपना परिवार ग्लोबल जो कि न केवल हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से, उसके बनिस्बत बाहर के भी कई देशों में जो हमारे भारतीय लोग रहते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। हमारे इसके मेंबर पूरे देश की स्टेटों के अलावा मलेशिया, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, दुबई, नेपाल और भी कई जगह के मेंबर्स इसमें हैं, जबकि ये हमारी संस्था ऑन पेपर लगभग 3 साल पहले से है और इसका प्रैक्टिकल शेप पिछले वर्ष 1.5 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया। ये 5वीं हमारी बिजनेस कॉन्क्लेव है। पहली बिजनेस कॉन्क्लेव दिल्ली में, दूसरी गोवा में, तीसरी गुवाहाटी में, चौथी कोचीन में और आज 5वीं ये बिजनेस कॉन्क्लेव आपके आशीर्वाद के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हमारे 4 मुख्य उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये है बिजनेस डेवलपमेंट। आज भारतवर्ष में किसी भी व्यापार की, किसी भी इंडस्ट्री की क्या स्थिति है, 5 साल 10 साल पहले हम कहां थे, आने वाले 20 वर्षों में हम कहां होंगे, हमारा फ्यूचर क्या है, हम कहां खड़े हैं। आज हमारे व्यापार को अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका में उसकी क्या स्थिति है, चाइना में क्या स्थिति है, अमेरिका में क्या स्थिति है और ऑस्ट्रेलिया में क्या स्थिति है और हम कहां खड़े हैं। हमें बहुत सारे सुझाव पीएसजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे चेयरमैन हमारे बीच में हैं, बहुत सारे बिजनेस संस्थाओं से ये संस्था जुड़ी हुई है, हम बहुत सारे सुझाव उन सब के माध्यम से केंद्रीय सरकार को भेजते हैं और वो अपनी पॉलिसी बनाने के अंदर उनको इनरोल करते हैं, उसमें से कुछ सुझाव जो उनको लगते हैं वो उनको कार्यान्वित करते हैं, प्रैक्टिकल शेप देते हैं। इसके अलावा पीआर गोल्ड बिस्किट, मैरी हमारे बीच में भाई सिंगला साहब, हल्दीराम के आदरणीय श्री अग्रवाल साहब हमारे बीच में हैं, बीकानेर, बहुत सारे गोवा से हमारे भाई अग्रवाल साहब बैठे हैं जिनकी चाइना में 13 फैक्ट्रियां इंडस्ट्री हैं। और अगर हिंदुस्तान में कोई भी पवन चक्की अगर पावर जनरेशन की अगर इंडस्ट्री यूनिट लगी है तो 99% वो उनके द्वारा लगाई गई है, वो मशीन उनके द्वारा सप्लाई की गई है और 1-2% अगर किसी और ने भी लिए तो उनसे परचेज करके फिर सप्लाई की है, केंद्रीय सरकार ने सारी सप्लाई उनकी होती है। क्यों आज ये इंडस्ट्री में चाइना में लगानी पड़ रही है, क्यों 13 इंडस्ट्री हिंदुस्तान में नहीं लग सकती, क्यों ये राजस्थान में नहीं लग सकती, इस पर हम इसके विचार करते हैं। और हमारा ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम आज राजस्थान के अंदर हम देखें तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी जरूरत है। दुबई में अगर कोई इंडस्ट्री के लिए जाता है, घूमने जाता है, फिरने जाता है तो हमारे यहाँ जैसलमेर जैसे ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ फॉरेनर टूरिस्ट क्यों नहीं आ सकता, आते हैं और क्यों नहीं बढ़ सकता। उदयपुर जैसा शहर हमारे स्वर्ग हमारे राजस्थान के अंदर है, क्यों यहाँ पर और लोग ज्यादा नहीं आ सकते टूरिस्ट, क्यों हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं बढ़ सकती। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, क्यों हेल्थ केयर इंडस्ट्री में लोग आज दुनिया भर के लोग बाहर से इलाज कराने भारतवर्ष में आते हैं, उस इंडस्ट्री को हम क्यों नहीं डेवलप कर सकते। भारतवर्ष के अंदर हर देश में, हर प्रांत में, हर स्टेट के अंदर भरमार पड़ी है खदानों की, उनकी जो वहां पे जो मिनरल्स की, उन मिनरल्स का अगर सदुपयोग किया जाए, भारत राजस्थान के एक एक कण के अंदर, एक एक रेगिस्तान के अंदर सोना आज मिश्रित है, उस सोने को उसकी खेती की जाए, उसको बाहर निकाल के लाया जाए और उसके लिए केवल हमें जरूरत है एक प्रेरणा की और वो प्रेरणा केवल हमारे महामहिम दे सकते हैं। वो प्रेरणा
हमें राजनीतिक क्षेत्र के बहुत सारे लोग बीच में रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है कि राजनीति क्षेत्र में जाके व्यापार की तरक्की कम और राजनीति ज्यादा होने लगती है। इसलिए हम अपने किसी कार्यक्रम में वहां के महामहिम को केवल निवेदन करते हैं कि वो आप आए और हमें हमारा मार्गदर्शन करें, हमें बताएं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ जो ये अरबों रुपए के जो इंडस्ट्री यहाँ एस्टेब्लिश करने के लोग सामने बैठे हैं कि किस प्रकार से राजस्थान में इंडस्ट्री लगा सकते हैं और कैसे मिलकर के हम काम आगे कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। संक्षेप में मेरा ये कहते हुए आज का यही टॉपिक है और आप हमारे छोटे से निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया। आज हम एक परिवार के रूप में यहाँ जरूर है, लेकिन एक इंडस्ट्रीज के रूप में भी बैठे हुए हैं। इस प्रकार से ये परिवार आगे बढ़े, इस प्रकार हम आने वाले फ्यूचर में, मैंने कहा कि 20 साल बाद हम कहाँ होंगे, ये हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है। आप हमें मार्गदर्शन दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका एक बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।